स्वागत है मेरे इस चैनल पे। तो दोस्तों अभी बज चुके हैं सुबह के 6 और ऐसा कि आप लोगों ने देखा था पिछले ब्लॉग में कि हमारा गाड़ी फुल हो चुका था और हम लोग आधा रास्ता निकल चुके थे। तो दोस्तों अभी हम लोगों ने काफ़ी रास्ता पार कर चुका है और अभी भी 200-300 किलोमीटर अभी जाना और बाकी है। दोस्तों अभी यहाँ पे रुके हैं थोड़ा चाय नाश्ता के लिए, तो पीछे पापा बैठ के चाय नाश्ता कर रहे और हमारे भैया जो है वो भी एक चाय नाश्ता कर रहे। तब तक के लिए बने रहे, मिलते हैं। दोस्तों देख सकते हैं अभी हम लोग वेंचर आ चुके हैं और तो दोस्तों अभी हम लोगों ने थोड़ा सा ब्रेक लिया है क्योंकि अभी नाश्ता करने का समय आ चुका है। तो हम और अभी मेरे साथ जो भैया वो जा रहे हैं नाश्ता करने के लिए। तो नाश्ता किया जाए ना? हाँ ठीक है, चलिए जा रहे हैं नाश्ता करने के। तो दोस्तों अभी रुके हैं नाश्ता करने के लिए, तो नाश्ता करके आ गया है। पर अभी हम लोगों ने गया था नाश्ता करने, पूरी सब्जी खाए और हमने मीठा और एक केक लिया। तो भैया आपने क्या लिया? ये पूरी सब्जी ना? तो भैया ने भी पूरी सब्जी खाया। तो हमारा नाश्ता हो गया, तो अभी हम लोग रुके हुए हैं 10-15 मिनट का, रुक रहे हैं 10-15 मिनट ब्रेक लिए है, उसके बाद फिर अपना आगे का सफर में तैयारी करेंगे। तो दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं अनलोडिंग पॉइंट पे और अभी तो यहाँ पे होटल वोटल हमें दिख तो रहा नहीं है। देखिए सामने सब जगह खाली गाड़ी ही दिख रहा है, पर कोई दिक्कत नहीं। तो अभी हम लोग गाड़ी में ही खाना बनाएंगे, चलिए बनाते हैं फटाफट से खाना। तो दोस्तों देख सकते हैं अभी हमारा चावल तो लगभग हो ही चुका है, भैया ने पानी डाल दिया और उसे ढक भी दिया, थोड़ा देर पकेगा तो उसके बाद फिर चावल हो जाएगा, उसके बाद फिर हम लोग सब्जी बनाएंगे। तो देखते हैं क्या चीज़ सब्जी आज बनेगा। तो दोस्तों हमारा चावल तो बन के तैयार हो चुका है, अब हमारा जाएगा बनेगा सोयाबीन, टमाटर, प्याज और आलू, तो सब मिला के सब्जी बनेगा। तो भैया भी सोयाबीन का पैकेट फाड़ के सोयाबीन डाल के देख रहे हैं तेल में कि वो गर्म हुआ है कि नहीं, देख सकते हैं। तो अभी तो सोयाबीन डाले हैं पर तेल अभी इतना गर्म नहीं हुआ, थोड़ा देर और रुकते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं हमारा तेल गर्म हो चुका है, अब सोयाबीन भी जा चुका है तेल में
और दूसरा पैकेट भी अब जा रहा है। तो देख सकते हैं दोस्तों हमारा सोयाबीन फ्राई हो चुका है। तो दोस्तों देख सकते हैं अब हमारा जा रहा है आलू फ्राई होने के लिए। तो भैया अभी आलू डाल रहे हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं आलू तो हमारा लाल हो ही चुका है। तो भैया हो गया क्या आलू? लगभग लगभग हो ही चुका है, देखने से तो लग रहा है। कपड़ा चल रहा है, कपड़ा चल रहा है। हाँ चल गया, चल गया। तो दोस्तों देख सकते हैं हमारा लगभग लगभग हो ही चुका है आलू लाल। देखिए वहाँ कपड़ा भी हमारा जल गया थोड़ा गैस चूल्हा से। चलिए कोई बात नहीं, बुझ गया। दोस्तों देख सकते हैं फिर से हमारा सरसों का तेल डलाया है इसमें हल्का सा। तो भैया अब क्या भुजाएगा? अभी टमाटर प्याज। अब तो दोस्तों अभी भैया ने बोला है कि टमाटर और प्याज अभी भुजाएगा, रेडी हो जाएगा। उसके बाद फिर रेडी हो जाएगा, उसके बाद फिर सब मिला करके सोयाबीन वोयाबीन डाल करके उसके बाद उसका तरी का सब्जी बना करके बस उसके बाद चावल। और तो दोस्तों देख सकते हैं अब हमारा जा रहा है प्याज भुनाने के लिए। तो दोस्तों देख सकते हैं अब हमारा सोयाबीन और आलू सब डला चुका है। अब यह हाफ फ्राई था, अभी फुल फ्राई होगा तो उसके बाद ही फिर हम लोग पानी डालेंगे इसमें। तब तक के लिए हाफ फ्राई होने देते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं अब हमारा जा रहा है सब्जी में पानी। तो अब पानी डालेगा, उसके बाद सब्जी थोड़ा सीज जाएगा, उसके बाद फिर हमारा सोयाबीन आलू तैयार हो चुका होगा। हाँ ठीक है। तो दोस्तों अभी बज चुके हैं शाम के 5 और अभी हम लोगों ने बस दोपहर में ही जा करके ये खाना खा लिया था, सब्जी और चावल। तो सब्जी बना था सोयाबीन का सब्जी, हो तो आपको पता ही है। तो दोस्तों अभी बज चुके हैं शाम के 5, तो अभी हम लोग जाएंगे चाय नाश्ते के लिए। तो जाएंगे अभी चाय नाश्ता करेंगे, उसके बाद फिर आएंगे। और तो अभी देख सकते हैं भैया का भी थोड़ा बुखार उखार है, तबीयत वबीयत ख़राब है ना भैया? तो उनका भी पाँव में थोड़ा तकलीफ़ है, थोड़ा चोट उट लग गया है। तो चलिए कोई नहीं, अभी गाड़ी खाली होगा, उसके बाद फिर ये भी अपना घर जाएंगे और डॉक्टर से जा करके कुछ थोड़ा मोड़ा इलाज करवाएंगे। तो तब तक के लिए बने रहे, फिर मिलते हैं।